नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसी जी सुपरफास्ट में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आइए खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। भोपाल में अखिल भारतीय किरार सम्मेलन में शामिल हुए सीएम शिवराज, विशाल धाकड़ का आईएएस बनने पर किया सम्मान, सीएम ने कन्याओं का किया पूजन। सीएम शिवराज ने की परशुराम जयंती पर अवकाश की घोषणा, जनापाव में बनेगा भव्य मंदिर, पुजारियों को पूजा सामग्री के लिए दिए जाएंगे 5,000 रूपए। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा, भागौर गांव में लाडली बहना योजना के स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल, बेघर को घर देने का किया वादा। ग्वालियर में सरकारी टीम और अतिक्रमणकारियों में विवाद, पनिहार के धरौली गांव कब्जा हटाने पहुंची एसडीएम और पीएचई टीम से बहस, एसडीएम ने कब्जादारी पर उठाया हाथ। भिंड में गोवंश से भरा हुआ कंटेनर पुलिस ने पकड़ा, 50 से ज्यादा गाय के बछड़ों को पुलिस ने किया जब्त, देहात थाना इलाके के चढ़थर मोड़ की घटना, कंटेनर ड्राइवर मौके से फरार। देवास के पीपल रावा थाना क्षेत्र के केंदुरिया गांव में बकरी चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा, आरोपी को खंभे से बांधा, आरोपी से चोरी की बाइक भी बरामद। भिंड में युवक के साथ बैरमी से मारपीट, 5 लोगों ने लाठी डंडों लात घूसों बेल्ट से की जमकर पिटाई, 7 दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो, अमायन थाना इलाके के मेहरा गांव की घटना। खरगोन शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में पानी के टैंक में गिरने से 7 साल के मासूम की मौत, बच्चों के साथ खेलते खेलते पानी के टैंक में गिरे। खंडवा जिले के पिपलौत क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरार में कुआं खुदाई के दौरान निकला शिवलिंग, कई और मूर्तियां भी मिली, शिवलिंग देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का आयोजन, भगवान जगन्नाथ का दूध दही घी फलों के रस से कराया गया अभिषेक, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बुरहानपुर में 7 जून से शुरू होने वाले मुमताज फेस्टिवल को लेकर प्रेसवार्ता, अंतर्राष्ट्रीय मॉडल और फिल्म अभिनेता फरहान खान विशेष अतिथि के रूप में रहे मौजूद। इंदौर से रवाना हुआ हज यात्रियों का पहला जत्था, 137 यात्रियों में 22 साल की युवती से लेकर 75 साल महिला शामिल, ज्यादा किराया लिए जाने पर शहर काजी ने जताई नाराजगी। भोपाल में फिर सामने आया लव जिहाद का जिन्न, शादी से पहले धोखे से भगा ले गया प्रेमी, परिजनों ने लगाया आरोप, 1 साल से बेटी को कर रहा था आरोपी ब्लैकमेल। नर्मदापुरम में लव जिहाद का फिर सामने आया मामला, मुस्लिम युवक पर लगा हिंदू लड़की को शादी के नाम पर धोखा देने का आरोप, रेप और धोखे की शिकायत के बाद मुबीन खान गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरी रोशनी ने तोड़ा दम, 20 घंटे की मशक्कत के बाद डेड बॉडी को किया गया रेस्क्यू, शनिवार को सुबह 9 बजे खेलते खेलते बोरवेल में गिरी थी मध्यप्रदेश की बेटी रोशनी। वडोदरा में सजा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार, राष्ट्र के लिए करूंगा अपनी ताकत का इस्तेमाल, लव जिहाद में फंसाई जा रही बहन बेटियां। भोपाल में सड़कों की क्वालिटी मापने के लिए बनेगी मॉनिटरिंग सिस्टम, हर जोन से 4 इंजीनियरों को टीम में किया गया शामिल, जून महीने से ही सड़कों की गुणवत्ता को मापने का काम होगा शुरू। सीधी पुलिस ने युवती से गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों ने रेप के बाद युवती का बनाया था अश्लील वीडियो, पीड़िता की चचेरी बहन ने आरोपियों का दिया था साथ। खरगोन में इंदिरा सागर के नहर से मिली लाश, पुलिस ने जताया हत्या कर शव को ठिकाने लगाने का शक, मृतक की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। नर्मदापुरम में होमगार्ड के दफ्तर के पास हुई गोलीबारी, गोली लगने से एक युवक हुआ जख्मी, पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में हुई थी 2 गुटों में मुठभेड़। आगरमालवा में तेज रफ्तार कार और जीप के बीच हुई टक्कर, हादसे में एक की मौके पर मौत, 13 से ज्यादा घायल, हादसे का शिकार हुए लोग शादी से लौट रहे थे उज्जैन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे का आज राजगढ़ दौरा, विधानसभा स्तरीय मोर्चा सम्मेलन में होंगे शामिल, जनसंपर्क अभियान का भी करेंगे आगाज। खंडवा के पिपलौद में कुएं की खुदाई के दौरान निकला शिवलिंग, कुएं से निकले शिवलिंग और मूर्तियों को देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़, कलेक्टर ने दी पुरातत्व विभाग को सूचना। बुरहानपुर के स्वामी नारायण मंदिर में लगा भक्तों का मेला, 501 लीटर केसर से हुआ प्रभु का अभिषेक, 130 सालों से पूर्णिमा के दिन यहां होती है विशेष पूजा।
दबों के जबेरा में नाग नागिन का निकला जोड़ा। सांपों के जोड़े को देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। लोगों ने नाग नागिन के वीडियो को किया वायरल। उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का शुरू हुआ अभियान। रोड पर इंक्रोचमेंट और के चलते आए दिन लगता है जाम। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान हंगामे के बने हालात। धार में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार यात्री बस ने मारी ट्राली को टक्कर। हादसे में 7 लोग घायल। बदनावर अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। मुरैना के उत्तमपुरा में पुरानी रंजिश के दौरान जानलेवा हमला। भीड़ ने पिता पुत्रों को पीट कर किया जख्मी। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। भिंड में मुखबिर की सूचना पर गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ा गया। पुलिस की दबिश के दौरान कंटेनर चालक हुआ मौके से फरार। पुलिस ने पशु क्रूरता कानून के तहत मामला किया दर्ज। भोपाल के जम्बूरी मैदान में शुरू हुआ ब्राह्मण सम्मेलन महाकुंभ। भेल मैदान में भी किरार धाकर समाज का सम्मेलन किया गया। आयोजित दोनों समाजों के सम्मेलन में सीएम और कमलनाथ हुए शामिल। बुरहानपुर में अमरावती नदी को साफ करने के लिए चलाया गया अभियान। न्यूज 18 पर दिखाई गई थी नदी और दूरदर्शन की खबरें। नगर परिषद के अफसरों और आम लोगों ने सफाई में लिया हिस्सा। बिलासपुर में यूथ कांग्रेस के दो गुटों में हुई जमकर मारपीट। वारदात में यूथ कांग्रेस के मस्तूरी उपाध्यक्ष हुए जख्मी। नाराज कार्यकर्ताओं ने किया सिविल लाइन थाने में हंगामा। रायपुर अपहरण कांड का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। 4 बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम। पुलिस के दबाव में कवर्धा युवक को छोड़ बदमाश हुए थे फरार। सुकमा में सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। और सांगल पहाड़ी पर मिला हथियारों को का बड़ा जखीरा। बंदूक और कारतूस सहित डेटोनेटर भी मिला। जशपुर के कुनकुरी में तेज रफ्तार ने कईयों को कुचला। 3 बाइक सवारों की हालत गंभीर। नाराज लोगों ने किया खुजारा में प्रदर्शन और जाम। बलरामपुर के जंगल में लगी आग से बड़ा नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग में कई कीमती पेड़ हुए स्वाहा। रायपुर के आरंग में राजीव भवन का सीएम ने किया लोकार्पण। रायपुर के राजीव भवन की तर्ज पर हुआ निर्माण। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहीं से दिग्गज बनाएंगे जीत की रणनीति। आज कोरबा दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। एसएससीएल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में होंगे शामिल। समन्वय समिति और मरार पटेल समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 23 के महाभारत की तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ सरकार। 7 जून को बिलासपुर में होगा संभागीय सम्मेलन। 8 जून को दुर्ग में जुटेंगे कांग्रेसी। दिग्गज कार्यकर्ताओं को सीएम और शैलजा देंगे मंत्र। जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर डैम से हो रही पानी की चोरी। सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार पंपों से खींच रहे पानी। अब तक करीब 40,000 लीटर पानी ठेकेदार कर चुका है यूज। रायपुर में चल रहे पटवारियों की हड़ताल। 21वें दिन भी जारी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है पटवारी संघ। सरकार की सख्ती के चलते राजस्व विभाग में बंद है काम। लोग हो रहे परेशान। मुंगेली पहुंची पद्मश्री सम्मान से सम्मानित फूलबासन दीदी। महिलाओं को मोर बाजार सदस्यता अभियान से जुड़ने की कर रही अपील। आज फूलबासन दीदी के नेतृत्व में महिलाएं निकालेंगे नशा मुक्ति रैली। नमतरी पुलिस ने इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट डालने वाले को किया गिरफ्तार। आरोपी महिलाओं और बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो को करता था अपलोड। मगर लोड पुलिस को मिल रही थी लंबे वक्त से शिकायत। अंबिकापुर में तालाब बनाने का झांसा देकर ठेकेदार ने कोट काटे पेड़। सीतापुर जंगल रेंज का बीट गार्ड हुआ मामले में सस्पेंड। ठेकेदार और पोकलेन मशीन के ऑपरेटर पर वन विभाग ने दर्ज किया मामला। कांकेर में पानी और खाने की तलाश में शहर में घुसा भालू। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पर दौड़ते भालू का बनाते रहे वीडियो। वन विभाग की टीम भालू को जंगल की ओर खदेड़ने में रहा नाकाम। बलरामपुर के राजपुर में हाथियों ने ली बुजुर्ग की जान। हाथियों को गांव से बाहर खदेड़ने की ग्रामीण कर रहा था कोशिश। भागने के दौरान गिरने से हुई शख्स की मौत। कोरबा से 5 साल पहले लापता हुई युवती की मिली कंकाल। पुलिस को हत्या के बाद शव को दफनाने का शक। साल 2018 में कुसमुंडा से लापता हुई थी युवती। रेलवे स्टेशन से मिली थी युवती की लावारिस गाड़ी। सूरजपुर में तेज रफ्तार ऑटो हुआ हादसे का शिकार। गाड़ी पलटने से मौके पर एक
की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। लोगों का हालचाल लेने के लिए कलेक्टर पहुंचे जिला अस्पताल। छत्तीसगढ़ में पारे ने ढाया कहर। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली हवाओं ने बढ़ाई तपिश। मौसम विभाग की चेतावनी, आने वाले 2 से 3 दिनों में 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। महेंद्रगढ़ में सिद्ध बाबा पहाड़ से गिरकर 2 युवक हुए घायल। दोनों युवकों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। पहाड़ पर चढ़ने के दौरान अनबैलेंस होने से गिरे थे दोनों युवक। महेंद्रगढ़ के तिलोखन में मिली लाश का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंधों के चलते आरोपी ने उतारा था महिला को मौत के घाट। मृतक महिला शहडोल की रहने वाली थी। बीजापुर के एजुकेशन सिटी में कार और स्कूटर के बीच टक्कर, हादसे में गई स्कूटर सवार पति पत्नी की जान। नाराज गांव वालों ने कार चला रहे युवक की गिरफ्तारी के लिए दिया धरना। अंबिकापुर में लाखों की लागत से बना गांधी स्टेडियम हुआ जर्जर। खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए 10 साल बना था स्टेडियम। खिलाड़ी लंबे वक्त से स्टेडियम को दुरुस्त करने की कर रहे हैं मांग। पेंड्रा में अवैध लकड़ी से भरा ट्रैक्टर वन विभाग ने किया जब्त। जिले में लंबे वक्त से हो रही जंगल में लकड़ियों की तस्करी, वन विभाग के अफसरों ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। धमतरी में सेना से रिटायर होकर लौटे फौजी का हुआ जोरदार स्वागत। डीजे की धुन पर नाचते गाते गांव वालों ने किया ग्रैंड वेलकम। गांव के युवा सेना में सेवा देने को मानते हैं सबसे बेहतर विकल्प। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की डेडलाइन 31 जुलाई तक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया पत्र। 3 साल से एक स्थान पर जमे अधिकारियों को हटाने के निर्देश। हार्डकोर नक्सली कटकम सुदर्शन की सुकमा में हुई हार्ट अटैक से मौत। माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के पोलित ब्यूरो ने मौत की पुष्टि की। 31 मई को हुई थी मुठभेड़। जगदलपुर पुलिस ने दंगा करने वाले बदमाश को पकड़ा। आरोपी ने किया था नशे की हालत में 3 लोगों पर जानलेवा हमला। घायल 3 में 1 की हालत अब भी गंभीर। छत्तीसगढ़ में फिर सड़कों पर उतरेंगे प्रदर्शन के अनियमित कर्मचारी। 11 जून से बड़े आंदोलन की है तैयारी। आंदोलनकारी परिवार के साथ करेंगे प्रदर्शन। कोरिया के बैंकटपुर इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट का आगाज। 100 टेबलों पर 200 खिलाड़ी लेंगे भाग। ओपन रेटिंग चेस चैंपियन को लेकर लोगों में खासा उत्साह। सिंगरौली के बलियारी में बाइक चोर गिरोह सक्रिय। गिरोह का सरगना बाइक चोरी करते सीसीटीवी में कैद। इलाके में लंबे वक्त से चोर गिरोह है सक्रिय। जांजगीर चांपा में पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग। 1000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। भिलाई मैपोर का कटा चालान। कल बिना हेलमेट के स्कूटी चलाते वीडियो हुआ था वायरल। गलती का एहसास होने पर भरा जुर्माना। अंबिकापुर में धोखाधड़ी से परेशान शख्स की गई सदमे में जान। नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया चक्का जाम। पुलिस ने समझा बुझाकर हटाया। कोरबा में चोर ने गजानन साईं मंदिर को बनाया निशाना। पूजा के बहाने तांबे की प्लेट के गायब। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जशपुर कटहल खाने पहुंचे हाथियों से गांव वालों में दहशत। वन विभाग ने लोगों को किया सतर्क। कहा हाथियों से दूर रहें गांव वाले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे दुर्ग का दौरा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आम सभा का आयोजन। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने दी जानकारी। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी को बताया कालनेमी। कहा बीजेपी हिटलर की औलाद। संसद में कांग्रेस के सांसदों को बोलने नहीं दे रहे। रायपुर में भाटा गांव के जिलेट बार में चोरी। मोबाइल और कैश लेकर भागे बदमाश। चौथी बार आरोपी ने बार में चोरी की। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। टॉप नक्सली लीडर सुदर्शन की हार्ट अटैक से मौत। सेंट्रल कमेटी के पोलित ब्यूरो का था सदस्य। तारमेटला हमले में था शामिल। हमले में 76 जवान हुए थे शहीद। 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली था सुदर्शन। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर के भाटा गांव में जिलेट बार में चोरी हुई है। मोबाइल और कैश लेकर भागे बदमाश। आरोपी का नाम जरहा बताया जा रहा है। चौथी बार आरोपी ने बार में चोरी की है। लॉकडाउन में चोरी की थी। 14 दिनों तक बार में शराब पीता रहा था। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं।
बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रायपुर की तस्वीरें हैं। रायपुर के भाटा गांव में जलत बार में चोरी हुई है, मोबाइल और कैश लेकर भागे बदमाश। चौथी बार आरोपी ने यह चोरी की है। लॉकडाउन में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, बार में चोरी हुई है और इससे पहले भी चार बार ये युवक चोरी कर चुका है। जी बिल्कुल, देखिए ये बार बार उसी में दुकान पर शॉप पर चोरी करने घुसता है और इससे पहले जब लॉकडाउन था उस वक्त भी वहां पर घुसा था और बकायदा उसने शराब भी पिया था। तो ये बार फिर ये जो बदमाश है, आरोपी है, जिसका नाम जरहा बताया जा रहा है, उसकी ये सीसीटीवी फुटेज है, ये सामने आई है और ये लगातार इस तरह की घटना को जो अंजाम देता है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और जिले एक बार में चोरी की नीयत से घुसा था, मोबाइल और केस लेकर ये बदमाश है जो फरार हुआ है और उसकी सीसीटीवी है वो सामने आई है। इस तरह की चोरी की वारदात को ये लगातार अंजाम देता है और उसका जैसे ही शाम होता है, रात ढलता है, शाम ढलते है, उसके बाद इस तरह की घटना को ये अंजाम देता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खरगोन से बड़ी खबर की बात करते हैं। मिट्टी के खदान धंसने से दो महिलाओं की मौत हुई है। बरूर थाने के बड़वाली गांव की घटना है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। मिट्टी खोदने के दौरान खदान धंसी है। भोपाल पहुंची है एनआईए की विशेष टीम। आतंकी मॉड्यूल की जांच करने टीम पहुंची है। एसटीएफ की मदद से एनआईए जांच करेगी। हिजबुल तहरीर के आतंकी मॉड्यूल की जांच करेगी। टेरर मॉड्यूल के तहत गिरफ्तार लोगों से पूछताछ भी करेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एनआईए की विशेष टीम भोपाल पहुंची है। आतंकी मॉड्यूल की जांच करने के लिए टीम पहुंची है। एसटीएफ की मदद से एनआईए जांच करेगी। हिजबुल तहरीर के आतंकी मॉड्यूल की जांच की जानी है। टेरर मॉड्यूल के तहत गिरफ्तार लोगों से पूछताछ भी होगी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।